नमस्कार कृपा वश में श्री भगवान राम के बारे में सुनी अनसुनी 10 कथाएं। श्री राम जय राम जय राम। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान श्री राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान श्री राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। श्री त्रेतायुग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान श्री राम की माँ कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान श्री राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान श्री राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। भगवान श्री राम का महत्व ब्रह्मा विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार के भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान श्री विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान श्री राम सातवें अवतार माने जाते हैं। और यह अवतार भगवान श्री विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई है। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान श्री राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। भगवान श्री विष्णु ने श्री राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मातृ-पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्य, व्यापारता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। एक कुशल और प्रजा हितकारी राजा थे। श्री राम भगवान राम अपने प्रजा को हर तरह से सुखी रहना रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। आदिवासियों के भगवान श्री राम वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान
भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दी। भगवान श्री राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य प्रेम मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्य जातियों ने श्री राम का साथ दिया। भगवान श्री राम की वापसी। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। भगवान श्री राम के बारे में सुने अनसुने 10 किस्से। वनवास के समय भगवान राम 23 साल के थे। लव और कुश राम तथा सीता के दो जुड़वा बेटे थे। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था जिसको भारत वर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप में भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। वनवास वापसी के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के बिना दुनिया भी कुछ नहीं है। इस आलेख के तथ्य विविध स्रोतों पर आधारित है। भगवान श्री राम और रामायण के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए रामायण व राम कथा के जानकार व विद्वान से जानकारी लेना बेहतर होगा। भगवान श्री राम के बारे में सुनी अनसुनी कथाएं। दोस्तों ये श्री राम की कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके हमें बताइए और आपके परिचित लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय का योगदान देने के लिए धन्यवाद। आप जहाँ भी रहो खुश रहिए। दिल से आपका दिन शुभ रहे।